हाँ मेरी अरजी सुनो यमराज आज कुछ रहम मेरे पैखाने मेरी अरजी सुनो यमराज आज कुछ जब आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज हाँ। तो आज अपनी बेटी सावित्री के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं महाराज? सुन ले मेरी बात। हर नारी का निर्साजन में होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टैम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टैम बेटी बिना पति के दुखियारी की बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा अच्छा। नहीं माती मेरा कोई नाव मेरी मजेदार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हाँ मेरे दिन पहला कैचो ओट कर गया महाराज बचाए अरज सुनो सुनो या मेरा
यमराज महाराज को सावित्री तीन वचनों में बांधती है, और वो कौन कौन से वचन थे साथियों, आइए तीसरी कली में कैसे बताया। और यमराज महाराज कहने लगे कि सावित्री, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर धन दौलत जागीर कुछ भी मांग लो, देने के लिए तैयार हूँ। महाराज हाँ, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे धन दौलत माया नहीं चाहिए, लेकिन तीन वचन जरूर चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं हाँ, तो मुझे तीन वचन दे दीजिए महाराज। मेरी बात मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन। बेखटके अरे बेखटके मांगो सावित्री, बोलिए वचन एक दो तीन। बेखटके मांगो सावित्री, बोलिए वचन एक दो तीन। सास ससुर अंधे मेरे इने, सास ससुर अंधे मेरे इने, आँखों का उजियारा दे दो। अच्छा, ये मेरा पहला वचन है महाराज, पहला वचन। और दूसरा जो मैं आपसे मांगने जा रही हूँ, सुनिए मेरी बात। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। अच्छा हाँ, और तीसरा वचन जो मैं मांगने जा रही हूँ वो भी आपको देना पड़ेगा महाराज। सुनिए साथियों, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मन ना चाहिए कुछ और, कोर कर तू अपना बचने निभाने मेरी अरज सुनो। अंधे मात पिता की आंखों का उजियारा मांग लेती है, और दूसरे वचन में जो छल और कपट से मंत्री ने राज लिया था उसे मांग लेती है, और तीसरे वचन में साथियों अपनी कोख से एक बेटा मांग लेती है। कहिए महाराज, क्या आप मुझे ये तीनों वचन देने के लिए तैयार हैं? प्रेमियों, चौथी कली में गुरुजी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, और क्या लिखा और क्या बता रहा। आँखों का उजियारा दिया, ठीक है महाराज। छल से लिया, सुनती जाइए, पहला वचन मेरा पूरा हुआ। छल से लिया मंत्री ने जो वापस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोख ते सुन ले बेटी, कहिए महाराज। तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। ठहरिए महाराज, ठहरिए। हाँ, हाँ, आपने मुझे तीनों वचन दिए हैं, आपने मुझे तीनों वचन दिए हैं बेटी। तीनों वचन में मैंने अपने सास ससुर की आंखों का उजियारा मांगा, दूसरे वचन में अपना छिना हुआ राजपाट मांगा, और तीसरे वचन में अपनी कोख से एक बेटा प्यारा मांगा। लेकिन महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप वचन देकर पीछे हट जाएंगे, पूरे वचन नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सावित्री, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन एक बात तो मुझे बताइए महाराज, हाँ, भला बिना पति के एक पतिव्रता स्त्री एक बेटे को जन्म कैसे दे सकती है? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए महाराज। प्रेमियों, यमराज महाराज तो भूल गए, खो गए यमराज महाराज, और सावित्री की जीत कैसे होती है चौथी कली में सुनिए।
लियाओ रे, बिना पति के पति वरता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे।